हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू वी माइंड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन का डेटा अपने मैकबुक में चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो एंड्रॉइड फोन का डेटा या मैकबुक का डेटा अपने एंड्रॉइड फोन में चाहते हो, सिंपल तरीका और एक जेन्युइन वैलिड मेथड आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। आप कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से अपने मैकबुक में या मैकबुक से एंड्रॉइड फोन में, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सारे मैकबुक यूजर्स के लिए। ये है मेरा एंड्रॉइड फोन, आप देख सकते हो, एंड इसमें एक वीडियो फाइल है जो मैंने रिकॉर्ड किया है, एंड अप्रोक्स 7 GB का है वीडियो फाइल। तो मुझे ट्रांसफर करना ये वीडियो फाइल मेरे मैकबुक में, तो करके बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप। उसके लिए आपको अपने मैकबुक में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सबसे पहला लिंक, उसे आपको ओपन करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है DMG फाइल अपने मैकबुक में। एंड्रॉइड फाइल ट्रांसफर का इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ईजी है। सिंपली आपको ड्रैग करना है एप्लीकेशन के फोल्डर में, इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा आपके मैकबुक में, एंड उसे आपको ओपन करना है। एंड डेफिनेटली आपको एक केबल की नीड होगी, आपको कनेक्ट करना होगा अपने मैकबुक के साथ। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप कोई अच्छा केबल यूज करें, एंड जिसमें डेटा ट्रांसफर केपेबिलिटी हो वो केबल आप यूज करें एंड कनेक्ट करें अपने एंड्रॉयड डिवाइस को। जैसे आप कनेक्ट करोगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस को, और यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस में फोटोज एंड फाइल्स के ऑप्शन को अनेबल करना होता है, तो यहाँ पे आपको फाइल्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपके एंड्रॉयड फोन में। देन आपका जो पूरा फाइल मैनेजर है आपके मैकबुक में दिखेगा। देन गाइस, आपको फाइंडर ओपन करना है, जो फाइल आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना चाहते हो मैकबुक में, एंड्रॉयड से मैकबुक में। तो सिंपली मैं एंड्रॉयड के फाइल में जाऊंगा, फोल्डर में जाऊंगा, एंड जो भी आपका वीडियो फाइल है, इमेज है, उसे आपको कॉपी करना है, या सिंपल आप ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैकबुक से एंड्रॉयड में कॉपी करना, तो वो भी आप कर सकते हो, सेम प्रोसेस एंड सेम मेथड है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना डेटा इजिली ट्रांसफर कर पाओगे। कितना भी बड़ा फाइल हो आपके पास, आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो इजिली आप ट्रांसफर कर पाओगे इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से। तो डेफिनेटली आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताओ आपका काम हुआ कि नहीं, वीडियो कैसा लगा, यूजफुल है या नहीं। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय गाइस।